Yeah, he's been playing the first few books ago. Yeah, oh. तो उसका बेच रहे हैं, तो उसकी एक रहेगा तो कोई जा बेच रही है, तो भी उसका ब्लॉक करो इसके लिए। अरे हम और चाहिए थी बड़ा देखिए ऐसी बात था उस समय है।
ऊपर जाना पड़ेगा जी। आज क्यों रहा जी? आज उस दिन तो नहीं आ रहा। आज क्या हो गया है? आज हुआ क्या आखिर? चलिए आप लोग देखिए, तो हम लोग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। और इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 पढ़ा था। हम लोग एक्टिविटी नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था एयर में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, वाइट एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। और ये भी आपने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सैंडी पेपर से रब क्यों करते हैं? हाँ, तो हम लोग पढ़ चुके थे। और सेकंड एक्टिविटी आपके बुक में सेकंड एक्टिविटी जो दिया हुआ है, उस दिन भी मैंने बोला था है ना। तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे आज के लेक्चर में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एक्टिविटी जो पढ़ेंगे एक साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस या व्हाट चेंजेज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंज हो सकता है या क्या क्या चेंजिंग होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में पढ़ेंगे हम लोग है ना। और ये भी पढ़ना है आज कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हमने पढ़ना है ना। ये सारी बातें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए आप लोग ज्वाइन कीजिए सुंदर क्लासेस को। हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं जो 5 बजे क्लास है। MWF में मैथमेटिक्स क्लास चलती है और TTS में साइंस क्लास चलती है, जिसमें केमिस्ट्री चल रही है। और TTS यानी सैटरडे आ जाए तो सैटरडे को जनरली हमारा टेस्ट होता है, हर क्लासेस का टेस्ट होता है ऑफलाइन में है ना, टेस्ट होता है। ये अभी लाइव क्लास चल रही है हमारी, अभी इसके पहले 4 to 5 में 9th क्लास हुई थी इंग्लिश मीडियम, 9th क्लास हुई थी। सुबह में 10 बजे क्लास चलती है हिंदी मीडियम 10th क्लास, और 11th क्लास 20 मंडे से शुरू होने वाला है,
इलेवंथ क्लास मैथमेटिक्स क्लास मंडे शुरू होने वाले हैं, है ना, उनका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। और जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन एडमिशन लीजिए फटाफट। टेंथ क्लास इलेवंथ क्लास शुरू होने वाला है मैथमेटिक्स की क्लास, जो हमारा जानते हैं सुंदरबन क्लास है, से एक डीपली नॉलेज के लिए, हर बारीकी से पढ़ने के लिए, छोटी छोटी बातों को जानने के लिए पढ़ाई हम ये क्लास चलाते हैं हम लोग, है ना। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हम लोग लिखते कम हैं, मैं है ना एक बोर्ड पर लिखूंगा और उसको एक घंटे के लेक्चर में उसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें होती है वो बताने की कोशिश करता हूँ मैं, कि छोटी 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 बातें किसी स्टूडेंट्स को डाउट न रह जाए, है ना। तो मैंने कहा कि सेकंड एक्टिविटी जो हमने पढ़ना आज वो सुन लीजिए ध्यान से। सेकंड एक्टिविटी डाइल्यूटेड H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4, H2SO4 को कॉमन नेम सल्फ्यूरिक एसिड है। आप जानते होंगे, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, है ना, कि किंग ऑफ एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सही बैठिए। और डाइल्यूटेड और कंसेंट्रेटेड की बात होती है, हम बताएंगे डाइल्यूटेड क्या होती है, कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होती है, लेकिन यहाँ डाइल्यूटेड की बात है। डाइल्यूटेड है ना H2SO4 में जिंक ग्रेनुअल्स डालते हैं, जिंक का टुकड़ा जब उसमें हम डिप करते हैं, डालते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं जिंक का, जिसको हिंदी में जस्ता कहता है, जिसका सिंबल ZN होता है। उसके बाद ZN क्या है, जिंक क्या है, मेटल है, उसमें रिएक्शन होता है, H2SO4 से डालते ही वो रिएक्शन होता है, हॉट यानी उसमें एक्सपोजिंग होता है ना, उसमें हीट बन जाता है, उसमें खोलने लगता है और रिएक्शन करता है और उसमें हॉट एयर निकलता है, हॉट गैस बनता है और वो गैस बनता है H2 हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? जी H2SO4 से जिंक का रिएक्शन होता है और उसमें H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। वो हाइड्रोजन गैस जो क्या हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, उड़ जाएगा और उस बिकर में, जिस बिकर में सॉल्यूशन लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, जिसमें आप रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें ZnSO4 बन जाएगा। ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्ट है, ये क्या, ये सॉल्ट है। और यही नहीं, कोई भी मेटल जब किसी एसिड में डालोगे, खासकर H2SO4 में डालेंगे, वो थोड़ा सा होता है कि अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्शन किया है, लेकिन जब H2SO4 में डालेंगे है ना, तो वहाँ पर गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। H2 बनेगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनेगा H2SO4 H2SO4 मैं लिखूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है हमेशा। आप अगर देखा होगा किसी ने एक्सपेरिमेंट को, तो जैसे टॉयलेट साफ करते हैं, अब तो लैट्रिन को साफ करने के लिए है ना, लैट्रिन रूम को साफ करने के लिए अब तो अलग अलग मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऐसे सोल्यूशन आ चुका है कि जिसमें गैस निकलता है कि नहीं निकलता पता नहीं चलता, जैसे हार्पिक है, हार्पिक कंपनी के नाम है, और भी ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिसको लैट्रिन में डालिए, लैट्रिन साफ होता है और उसमें से गैस निकलता हुआ महसूस नहीं होता है। लेकिन कई साल पहले है ना, गली गली मार्केट में दुकानों पर बोतल में 1 लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर का फिनाइल तो अलग है, उस सरफेस साफ करते हैं, लैट्रिन साफ करने के लिए तेजाब भी कहता, तेजाब वेरी वेरी एसिड है, वो वेरी वेरी डाइल्यूटेड एसिड भी कहता है। और वो एसिड जब जाके वहाँ पर लैट्रिन में डालिए और लैट्रिन में डालने के बाद कुछ देर तो रूम में रहोगे, उस बाथरूम में रहोगे, पूरा वेपर ऐसा गैस छा जाएगा, पूरा धुआं हो जाएगा। जी उसमें हाइड्रोजन गैस भी है, उसमें बदबू भी रहेगा, क्योंकि उसकी जो बदबू है, उसमें लैट्रिन का जो बदबू है, गंदगी है, उसको वेपर बनाकर अपने साथ उड़ा रहा है,
उड़ा के ले जाएगा बाहर, और पूरा वेपर हो गया है, वेपर जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें वाटर भी, वाटर वेपर भी उसमें है, H2 हाइड्रोजन गैस भी है, क्योंकि जब लैट्रिन लगी है, जो लैट्रिन उसमें गंदगी लगी है, उस लैट्रिन में कुछ मेटल का भी चांस होगा जी, जो लैट्रिन है उसमें मेटल का भी अंश है, और वो मेटल रिएक्शन किया एसिड से, और क्या बना है, गैस बना है, हाइड्रोजन गैस जी, और जब वो छिटका पड़ जाएगा आपके बॉडी पर, स्किन जलाएगा, लेकिन जो लैट्रिन साफ करने वाला तेजाब होता है वो वेरी डाइल्यूटेड ही नहीं, वेरी वेरी डाइल्यूटेड, यानी उसमें करीबन 1-2% ही इसमें एसिड होता है, बाकी सब वाटर है। इसलिए अगर एक जो बूंद कुछ छीटा अगर बॉडी पर पड़ भी जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। बैटरी में भी डाला जाता है एसिड, वो एसिड वही डाइल्यूटेड एसिड होता है ना, अम्ल, राइट राइट समझा, सही होगा, एसिड मतलब हिंदी में अम्ल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम मैं इस रिएक्शन करूँगा, अभी पहले छोटी सी रिएक्शन है, और मैंने कहा ये जो सल्फ्यूरिक एसिड वाली एक्टिविटी बता रहा हूँ, ये आपके बुक में तो है ही एक्टिविटी है, और जितने बुक में एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी को, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, हर एक्टिविटी को आपको बारीकी से बड़ी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक्टिविटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। और ये एक्टिविटी, ये हम जो करने जा रहे हैं, ये आपको चैप्टर नंबर मुझे याद है कि सेकंड में मिलेगा, सेकंड चैप्टर में, जिसका नाम है एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें मिलेगा। बाबू फुट मत कीजिए, उधर जहाँ चल रहा चलने दीजिए, आप ध्यान ध्यान दीजिए, अभी अंधेरा रखा है उस पर। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और Z-NSO4 यानी जिंक सल्फेट यानी सॉल्ट बनाएगा, बस यही है इसमें। और ये रिएक्शन आपको मिलेगा, उसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट मिलेगा, और वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एक्टिविटी, यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर पॉप साउंड, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलता होता है, वो हाइड्रोजन गैस के सामने कोई हम माचिस की तीली जला के ले जाएंगे, कोई लाइटर ले जाएंगे, तो पॉप पॉप करेगा, वो जलेगा, वो आवाज़ आएगा, इसलिए उसको पॉप साउंड कहा गया, पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट कहा गया उस रिएक्शन को, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ये। आइए हम इसे एक्टिविटी को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जी 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 हाँ, पॉप साउंड का मतलब हाइड्रोजन गैस ही हो, जिंक है ना सर, तो पटाखा में होता होगा सर, ग्रेनुलर्स रिएक्ट नहीं, रिएक्ट विद उसमें बारूद है, रिएक्ट हाँ रिएक्ट विद क्या, डाइल्यूट, DIL लिखे डाइल्यूट है, सल्फ्यूरिक है दिख रहा जी, एसिड, तो टू गिव क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट ऑफ क्या, हाँ हो गया, यहाँ पर DIL यानी डाइल्यूट पूरा लिख सकते हो आप, सॉल्ट में लिख दिया हमने, सॉल्ट ऑफ एक्वस क्या, यहाँ पे खाली एक्यू लिख दिया, एक्वस क्या, जिंक सल्फेट, हाँ जिंक एक्वस का मतलब समझते हो, सल्फेट जिसमें पानी है ना, एक्वस सल्फेट, एक्वस का मतलब क्या था, जिसमें वाटर में डीजल हुआ पड़ा है, पानी के अंदर है, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन क्या है, Zn प्लस H2SO4 गिव टू ये सब फोर जो है ना, यहाँ आ जाएगा Zn साथ में है ना, क्योंकि सल्फेट का चार्ज 2- होता है, वैलेंसी 2 होता है ना, नॉन मेटेलिक बिहेवियर है इस पास, और Zn
एसओ फोर और प्लस का एस टू, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये गैस है उड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है आपका एक्वस है, समझिएगा भी सॉल्ट है। आप समझते हैं कि जेटन की बैलेंसी भी टू है, एसओ फोर की बैलेंसी टू और टू टू कैंसिल हो गया, जेटन की बैलेंसी टू प्लस में है, एसओ फोर की बैलेंसी टू माइनस में कैंसिल हो गया और जेटन एसओ फोर यहाँ भी एच टू एसओ फोर। आप देख रहे हैं कि एसओ फोर की बैलेंसी टू यहाँ आया हुआ है और हाइड्रोजन की बैलेंसी वन होता है, इसलिए एसओ फोर पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं है ना। आप नाइन से पढ़ गा चुके हैं कि कंपाउंड में वैलेंसी इंटर, तो एच टू एसओ फोर क्यों है, ये टू क्यों आया हुआ है, क्योंकि एसओ फोर की बैलेंसी टू है। एसओ फोर सल्फेट पॉली एटॉमिक आयन से पढ़ चुके हो, नाइन्थ में पढ़ोगे जो नाइन्थ वाले बच्चे हैं, सल्फेट एसओ फोर सल्फेट सल्फेट आयन नहीं, टू बैलेंसी है, टू नेगेटिव बैलेंसी है, नेगेटिव चार्ज है जी। एसओ फोर सल्फेट और सल्फाइट होता है एसओ थ्री, उसका भी टू बैलेंसी होता है, है ना, वो टू यहाँ गया और हाइड्रोजन का वन होता है वन यहाँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कई बार, देखिए पिछले क्लास में शायद नाइन्थ में शायद बोला था मैंने कि हाइड्रोजन भाई साहब ऐसे हैं, है ना, जो उनके साथ जो आता है उनको देख के अपना रंग बदल लेते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा है। ऐसे तो हाइड्रोजन को नॉन मेटल में लिया जाता है, जब हाइड्रोजन को एच एच के ऊपर माइनस चार्ज लगता है, वन माइनस चार्ज है ना, एक चार्ज लगता है माइनस में, लेकिन हाइड्रोजन मैं बोलता हूँ कि जरूरत पड़ता है तो कैटायन बनाता है, प्लस चार्ज बनाता है, यानी जब नॉन मेटल के साथ आता है तो मेटेलिक बिहेवियर होता है इसका, और यहाँ हुआ एसओ फोर नॉन मेटेलिक बिहेवियर में है, एसओ फोर का टू माइनस चार्ज होता है, टू माइनस, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइड्रोजन मेटेलिक बिहेवियर में आ गया, मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, और एच का वन प्लस में, किसका वन प्लस में लिखना नहीं है बट वन प्लस में, यहाँ ये बता रहा हूँ मैं कि यहाँ हाइड्रोजन मेटेलिक बिहेवियर में है और नॉन मेटेलिक में भी होता है जब जरूरत पड़ती है, तो जैसे एच सी एल वहाँ भी सी एल माइनस है नॉन मेटल है तो एच प्लस में आता है मेटल के फॉर्म, दिखा दिया। वो अलग बात है कि जब एच सी एल में जब बॉन्ड बनता है तो वो शेयरिंग से बनता है, लूजिंग गेनिंग नहीं होता है, लेकिन उस शेयर के बाद शेयरिंग का मतलब है कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसे पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्ड जो बना है ना कोवेलेंट शेयर से बना है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेकिन जब उसे कोवेलेंट कंपाउंड को भी जब आयनाइज करेंगे हम लोग तो वहाँ पर पता चलेगा कि एक नॉन मेटेलिक दूसरा मेटेलिक होगा ही होगा। बात समझ गए यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ आपने देखा कि मेनली हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन जब निकलना कि इवोल्यूशन अब क्या है, हाइड्रोजन गैस हो रहा है, इवोल्यूशन अब क्या है, हाइड्रोजन गैस, ये बात समझ गए हम। तो अब मैं इसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ कि व्हाट चेंजेज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। आपने देखा इसमें हाइड्रोजन लिखला आए, ये जिंक क्या था, सॉलिड था, ये क्या था, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस है यानी डाइल्यूट है, और मिल क्या बना, यहाँ भी एक्वस बना और एक गैस बन गया, जब गैस इधर था भी नहीं, तो स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, है ना। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल है, हाइड्रोजन फ्यूल है, जिस तरह से एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम लोग जलाते हैं खाना बनाते हैं, ऐसे ही उससे भी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखने वाला वो अभी तक जो गैस है वो हाइड्रोजन है, जहाँ तक हम लोग को मालूम अभी है, सबका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी हमारा हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है ना कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई बर्निंग ऑफ वन के जी वन किलोग्राम ऑफ फ्यूल, फ्यूल का मतलब जलावन को जलाते हैं, तो एक किलोग्राम को लाइट आप लाइट लीजिए, आप पता कर लीजिए बाहर एक बार, लाइट गया है क्या, एक बार पता कर लीजिए आप लोग, किसी और से पता कर लीजिए, उन्हें पता नहीं करेंगे तो, लाइट गया सही में, किसी और से पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा
की भाई 1 kg तो नहीं, 1 gram भी होता कि 1 gram कही है कि भाई अरे बाबू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ देखो अब सब गौर कर दीजिएगा, मत छू छी मत, क्या हो गया देखिए गौड़ हो गया ना, अब पूरा गौड़ हो गया, आप हिला दिए इसको। अरे भाई ठीक है ऊपर दिख रहा है, ध्यान दीजिए। तो यानी बर्निंग अप 1 gram होता है, 1 kg या 1 gram के लिए 1 gram मिल नहीं होता है, 1 gram बर्न करते जितना हीट मिलता है वही क्या है आपका कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाइड्रोजन कैलोरीफिक वैल्यू इसका हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो अभी तक पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन को जला, हम हाइड्रोजन से खाना पका सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हीट है कि खाना जब बनाओगे तो आपका खाना जल जाएगा, कितना भी चूल्हा कम कर दीजिए उसमें जल जाएगा, क्या हो जाएगा जल जाएगा, बात समझ रहे हैं यहाँ पर, जल जाएगा समझ रहे हैं पर। हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि हाइड्रोजन हम लोग यूज करेंगे, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन हम लोग यूज करेंगे, ये ध्यान रखेगा आने वाले टाइम में। लेकिन आइए हम लोग वहाँ से अभी दूर नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ लिखेंगे कि व्हाट हैपेंस, आप दूर कर दीजिए जी, ठीक है मुझे दूर हुआ है, ध्यान दीजिएगा व्हाट चेंजेस ड्यूरिंग, दिख रहा है ड्यूरिंग केमिकल और रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन, मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चेंज हो सकता है, ध्यान समझिए बाबू ध्यान समझिएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा आंसर में पॉइंट वन, आपने अभी भी देखा है कि गैस बना नहीं तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ध्यान दीजिएगा गैस निकल सकता है, उसे कीजिए गैस निकल सकता है ना। सेकंड चेंज इन स्टेट, स्टेट्स ध्यान दीजिएगा स्टेट्स चेंज हो सकता है, स्टेट मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, आपने देखा अभी यहाँ पर इसमें गैस निकला है। हाँ डाइल्यूटेड है, अब हमने रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है ना वो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में कोई गैस था नहीं ना, गैस निकल गया। थर्ड जी कलर चेंज हो सकता है, कहाँ गैस है अरे बबलू, H2 अलग नहीं है, H2 से फोर है वो बाबू, सल्फ्यूरिक एसिड है रे, लिखना पड़ेगा हमें लगता है लिखना पड़ेगा, ये सल्फ्यूरिक क्या है तोड़ के मत देखो बाबू, अच्छा तो थोड़ा सा अलग लिखा इसलिए समझ क्या जाइए, ऐसे बाबू ऐसे ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या ये एसिड है और ये क्या है जिंक सॉलिड है, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन सल्फेट भी, केमिकल नेम कोई पूछेगा तो बोलोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट, आ कॉमन नेम पूछेगा तो बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ जिंक सल्फेट को बोलोगे कॉमन केमिकल नेम जिंक सल्फेट, हाँ कॉमन नेम से कोई नहीं है, कॉमन नेम सबको नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो चेंज इन क्या हो सकता है कलर, कलर में चेंज हो सकता है बाबू, अब फोर्थ में और कुछ होगा क्या, ध्यान दीजिएगा फोर्थ में कुछ और होगा, गैस निकल गया है, स्टेट चेंज हो गया है, चेंज इन कलर हो गया है ना, और हीट, हीट में भी चेंज हो सकता है, तो चेंज इन क्या चेंज, ये कुछ और हीट है, ये कुछ और हीट हो गया, चेंज इन क्या हीट एनर्जी, हीट एनर्जी ठीक है। ये हमने देखा कि ऐसा चार बातें जो है ये चेंज हो सकता है, चार जो है
चेंज हो सकता है आपका, है ना, बात समझ रहे हैं पर क्या? तो फिर बोल रहा हूं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकल सकता है, गैस बन सकता है, गैस नहीं होगा रिएक्टेंट में, गैस बन सकता है। सेकंड, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो सकता है, सोलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ भी ऐसा बन सकता है प्रोडक्ट में। थर्ड, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है और या होता है। और फोर्थ में, चेंज इन हीट, हीट एनर्जी चेंज हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई को हमने हीट देना पड़े तो कम हीट हो जाए प्रोडक्ट में, या हीट रिएक्टेंट में हीट ना था और प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा हीट बन गया। जी होगा, पढ़ोगे आगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन सब पढ़ोगे आगे, सब बात हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ समझिएगा कि कुछ सिंबल लिखने जा रहा हूँ, उस सिंबल को भी याद रखना है, सिंबल है ना। आइए मैं नीचे नीचे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, आइए यहाँ तक दीजिए, नीचे तक ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सिंबल हिल रहा है, वो जादू हो गया है, थोड़ा सा पास किया जाए क्या, थोड़ा देखिएगा एक बार, बोलिएगा कुछ डेट में, डेट बोलिए, डेट ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि सिंबल्स लिखेंगे हम लोग, कुछ सिंबल्स को हमने याद रखना है, सिंबल्स देखिएगा ध्यान से। अगर सॉलिड है, कुछ बन रहा है, सॉलिड कहीं भी है या रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसको खाली यस लिखोगे, क्या लिखोगे, यस। सेकंड में अगर लिक्विड है, लिक्विड क्या लिखोगे, सिल, छोटा एल लिखना है, छोटा एस, छोटा एल, बड़ा नहीं, छोटा एस है, बड़ा छोटा ही। थर्ड में जब गैस है तो जी लिखोगे, क्या लिखोगे, और लिखना चाहिए बोलिए, और अरे डब्लू, और जी, और ऐसे अगर ऐसे एरो लगा हो तो इसका मतलब गैस है। और सॉलिड में कई प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के लिए क्या कभी कभी ध्यान दीजिए, या मैं चलिए, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आ गया, आगे आएगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। पी, हाँ पीपीटी शॉर्ट में क्या कहता है, पीपीटी, और नीचे तरफ एरो लगाया से तो भी समझिए पीपीटी है। यानी जब कोई लिक्विड में ही कोई सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन ऑन द बॉटम, सेटल डाउन ऑन द बॉटम, उस एक सॉल्यूशन में ही है ना, जो जो डिजोल्व नहीं होता है, जो डिजोल्व उस लिक्विड में है, एक सॉल्यूशन में है लेकिन सॉल्यूशन नहीं बना रखा, नहीं डिजोल्व नहीं हुआ पड़ा है, उसको हम पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं उसको होना। सोल्यूशन आपको ऐसा चीज है जो प्रोडक्ट बना है, आप प्रोडक्ट एक्वस में है, पानी में है, वाटर में है, लेकिन उसमें डिजोल्व नहीं हुआ है, डेट इज सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑन द वीकर, वीकर के पेंजी पर जाकर बैठ गया है कुछ सब्सटेंस उसमें, और पानी में ही है लेकिन बैठा हुआ है, यानी ये डिजोल्व नहीं है, हाँ यानी घुलता नहीं है, अघुलनशील है, तो उसको पीपीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेसिपिटेट हो गया, समझ गए, आगे देखिएगा। मैं फिफ्थ लिख रहा हूँ, मैं फिफ्थ में क्या है कि मैंने कहा एरो लगा नीचे तक, एरो पीपीट हो गया, जब एरो ऊपर लाया तो गैस हो गया है, और कंसेंट्रेट, कंसेंट्रेट कोई सोल्यूशन हो, जैसे एसिड में यूज होता है तो कंसेंट्रेट है, तो उसको सिर्फ यूज करना है सी ओ एन सी, और डॉट लगा दिए, कॉन्क हो गया, कॉन्क, हाँ, और कॉन्क बोलेंगे, और डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड में तो डाइल्यूशन होना,
डाइल्यूटेड है ना, घुल जाना, डाइल्यूट हो जाना, या उसमें जिसमें पानी ज़्यादा हो है ना, अभी उसमें डाइल्यूट एक्स्ट्रो से फोर था, इसको यूज करेंगे DIL, दिल। एक्वस के लिए सेवंथ में, हाँ एक्वस है ना, एक्वस के लिए यानी वाटर में है, तो सिर्फ ए और क्यू लिख दीजिए, काम हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म ये सब यूज करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा ना अभी, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे सॉलिड, यहाँ लिखेंगे डाइल्यूट DIL, यहाँ लिख देंगे AQ एक्वस, और वो गैस लिख देंगे। ऐसे हमने एरो लगा रखा है, एरो लगा रखा हमने गैस वाला। टीचर हमने कुछ सिंबल यूज करते हैं, कुछ और भी सिंबल हो सकता है, मुझे जब याद आएगा तो बता ही दूंगा। अभी यहाँ पर अभी तो इतने साथ है, कहीं सिंबल कहीं यूज होगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि क्या होता है और कौन सा क्या सिंबल होता है। ये हो गया ठीक है, अब आइए अब हम पढ़ेंगे बाबू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने तरह के रिएक्शन होते हैं? पांच होते हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, ध्यान दीजिएगा। और मैं उधर लिखूं दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। अब टेंथ में ही कम होता नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं यही लिख रहा हूं। किसका? आपका टेंथ में टाइप्स ऑफ केमिकल ठीक है, यार आ रहा क्या रिफ्लेक्शन आ रहा क्या? रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शंस सबसे पहले हमने पढ़ना है, ब्लू दिख रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड पढ़ना है डी कंपोजिशन रिएक्शन ठीक है, समझ गए। और थर्ड पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट एंड फिफ्थ पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को ही कहते हैं, ये कंबाइंड नेम है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन समझिएगा। हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सबको बारे में से पढ़ना है, पांच टाइप्स है, इन पांचों टाइप्स को हमने डिटेल में अच्छी तरह से हमने क्या करना है, पढ़ना है विद एग्जांपल्स, इसके बारे में जानना है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। तो इसको एक बार आप लोग है ना शॉर्ट ले लीजिए, नीचे कट रखा दिए, नीचे प्रेसिपिटेशन आ रहा है, प्रेसिपिटेट आ रहा है, चल इसको फटाफट रफ की रफ कीजिए, इसको कमोन रफ, अरे छोटे इसमें आ जाएगा, अच्छे कैसे यार, रफ कीजिए उसको ब्लू से,
रब करिए करिए रब करो, और इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। उधर जो लिखा छोड़ दीजिए उसको, हाँ उसको छोड़ दीजिए टाइप, हाँ ब्लू जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, उधर घेर के जो लिखा है खाली इसको, हाँ बाउंड्री से इधर मिटा दीजिए सब। देखिए ना पढ़ेंगे तभी चलिए ना, जो कम्बिनेशन ये छोटा थोड़ी है, कम्बिनेशन बहुत बड़ा है। चलिए आइए तो हम लोग, हालांकि अब क्लियरिटी है अभी ना, क्लियरिटी ठीक है, आइए हम लोग अब हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन को हम पढ़ेंगे कि आखिर है क्या है, व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग इसको हिंदी मीडियम 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। वहाँ भी हम लोग डिटेल में अच्छी तरह से पढ़े हुए, हम मैं सबको पढ़ा रखा हूँ। तो आइए कम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान दीजिए कि कम्बिनेशन रिएक्शन आखिर है क्या। अच्छा देखिए तो रेट की क्लियरिटी कैसा है, रेट क्लियरिटी है कि नहीं है, रेट वाला अभी जो लिखा मैंने रेट लाइन दिया हमने तो नहीं है, कुछ दिख रहा है वहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमारा पहले इसको वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन जुड़ना कंबाइन करना, यानी अब जुड़ने की बात आ रही है तो पक्की बात है टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी कंपाउंड हो सकता है। सब्सटेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस का मतलब है कि एटम्स हो सकता है ना, कंपाउंड्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, चाहे किसी भी स्टेट्स में हो, सॉलिड लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, है? तो मिनिमम तो दो चाहिए कि मिनिमम दो कंबाइन करेंगे, तीन भी हो सकता है, चार भी आपस में मिलेंगे कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा जिसको प्रोडक्ट कहा जाएगा, है ना, और वही क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझिएगा सवाल है, मैं बात समझाऊंगा अभी यहाँ पर, मैं छोटी बात पहले तो डिफरेंशियल लिख दूँ, फिर मैं कई बातें हमने पढ़ना है ना, देखने वाले को तो लगेगा वो छोटा सा हमने कह दिया बात खत्म होगा, आइए एक दो रिएक्शन लिख दूंगा बात खत्म होगी, नहीं खत्म नहीं हुआ है। आइए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं कि द रिएक्शन, कौन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ना, वो भी लिख दूं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज, है ना, क्या भाई, तो मैंने कहा एटम्स हो सकते हैं, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या कंपाउंड कह दीजिए, कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है, कंपाउंड से हो सकता है ये ना, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन करना है, जुड़ना है, कंबाइन कंबाइंड केमिकल रिएक्शन है तो केमिकली कंबाइन करना, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, तो कंबाइन टू फॉर्म, क्या फॉर्म है, कंबाइन टू फॉर्म मतलब एक सिंगल सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मतलब क्या, कंपाउंड होगा वहां पर, जब बने कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनेगा, और पक्की बात है जब दो मिलकर एक बना है तो दोनों थोड़ा सा सिंपल होगा तो जो बनेगा प्रोडक्ट बड़ा बनेगा, जो
भाई सीधी बात है, समझ आ रही है कि जब दो मिलके एक बनना है तो बड़ा ही बनेगा, तीन मिलके एक बनना है तो बड़ा बनेगा, यानी प्रोडक्ट बड़ा बनेगा दो मिलकर। सिंपलर सप्लेंट आपस में कंबाइन होगा, सिंपलर सिंपल छोटा छोटा और बड़ा बड़ा बन जाए, बड़ा बन जाएगा वो। यही समझ आ रही है? हाँ समझिएगा एक बार। जैसे हमने जनरल फॉर्म में मैंने एग्जाम्पल लिया, जनरल फॉर्म में एग्जाम्पल लूंगा मैं कि भाई ए प्लस बी, मान लीजिए कि ए एटम है बी भी एटम है, मे बी दोनों एटम है, या एक एटम है दूसरा मॉलिक्यूल से, एक एटम है और दूसरा कंपाउंड है, कुछ भी हो सकता है। और ये कंबाइंड किया है, केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें और आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है, क्या बनाया है ए बी बना दिया, क्या बना दिया इन होगा सिंपल, यानी इन क्या कह जाएगा ये रिएक्टेंट्स है, क्या है ये रिएक्टेंट्स है ये, लेकिन इधर जो है क्या आएगा प्रोडक्ट हुआ है। समझिएगा यहां पर है ना। अब इसमें मैं पहले छोटा सा एग्जांपल लूंगा, छोटा सा एग्जांपल क्या लूंगा एग्जांपल भाई, एग्जांपल तो बड़ा बड़ा मैं से लूंगा, पहले छोटा सा लीजिए, छोटी सी बात लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कह दिया कि सी सी प्लस ओ टू क्या बन गया, सीओ टू बनेगा, यानी कार्बन को, कार्बन यानी कोई फ्यूल है या कोल है कोयला, उसको जलाया गया ओ टू में, बर्न किया गया, तो बर्न करेंगे तो पक्की बात है सीओ टू बनेगा, क्या बनेगा सीओ टू। सीओ टू क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओ टू क्या था गैस है, हमने सिंबल हमने अब यहाँ लिख लीजिए, और ये क्या है कार्बन क्या है सॉलिड है, अब लिखना पड़ेगा सब यहाँ पर, समझिएगा। अब जब कार्बन को ओ टू में जलाओगे, कोयला को जब जलाओगे, उपले को जलाओगे, कुछ भी जलाओगे ऐसा, तो सीओ टू बना है या एच टू ओ नहीं बना, वेपर नहीं बना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, समझिएगा। तो पक्की बात है इसमें कुछ ना कुछ हीट निकला होगा, हीट निकला होगा, हाँ और याद आ गया, मैंने बोला था कुछ सिंबल रहा हुआ तो मैं याद आएगा तो लिख दूंगा, तो याद आ गया, क्या याद आया पता है नहीं पता है ना जी, तो याद आ गया, मैं ही लिखता हूँ सिंबल, याद कर लीजिएगा, जब हीट की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ट्रायंगल बना दीजिएगा, ट्रायंगल कुल भी आएगा, कुल करना ठंडा करना तो उल्टा ट्रायंगल बनेगा, उल्टा है ना। मैं कहीं लिखता हूँ यहाँ पर कि सिंबल पीछे रह गया था अभी, तो ध्यान दीजिएगा इसका हीट की जब करने की जरूरत पड़ेगी तो इस पर कभी लिखना पड़ता है, यहाँ तो जरूरत नहीं है, जब हीट करना पड़ेगा रिएक्टेंट को तो यहाँ सिंबल लिखोगे, यहाँ नहीं लिखेंगे ये सिंबल, यहाँ यूज नहीं करेंगे, मैं हम जाता हूँ जनरल को यूज कर लगा, यहाँ नहीं करेंगे, जब भी यूज करेंगे इस पर जरूरत पड़ेगी, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, हाँ इस पर गिफ्ट ऊपर लिखते हैं, ऐसे हीट का बनाते हैं ट्रायंगल बनाते हैं। और जब कूल की बात आएगी, क्या है कि कूल करना ठंडा करना है तो उल्टा ट्रायंगल बना दीजिए, ऐसे इन्वर्टेड ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, ये दो हमने याद रखना है, ये दोनों यूज होगा कौन कहाँ पर, जब रिएक्टेंट को कूल करना है या रिएक्टेंट को हीट करना है, तो इससे एरो के ऊपर लगा देना है, एरो के ऊपर लगाओगे उसे पता चल जाएगा कि हीट किया जा रहा है कि कूल किया जा रहा है। अब बात यहाँ पर है, हमने समझाना बात क्या है वो समझिएगा, हमने कहा सीओ टू तो बन गया, हीट बन गया है, बात समझ रहे नहीं, हमने वो लिख दिया सिंबल, यहाँ नहीं लगा, कोई गलती लगा देगा यहाँ पर गलत हो जाएगा वो, यहाँ नहीं, यहाँ जब लिखोगे हीट लिखोगे, हमने कहा यहाँ लिखा, हमने दिखाया आपको लिखना, अब समझिएगा यहाँ पर एक बात और, चलिए हमने कहा कि ये हमने बर्न किया है, बर्निंग ऑफ क्या मीथेन गैस, ध्यान समझिएगा मीथेन गैस, मीथेन गैस का मतलब फॉर्मूला होता है CH4, ये हमें चैप्टर 4 से पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड में पढ़ना है जी, CH4 जलेगा जी, हमारा जो एलपीजी गैस सिलेंडर में है वो चार गैस से बना हुआ है, मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें इथेन और ब्यूटेन ज्यादा होता है।
हाँ एक बार दे सकते हैं सबके लिए हम लोग, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है अभी, ये बारह बारह डिस्ट्रिक्ट बीच में।